दोस्तों आज की कहानी है नंद जी। मैंने आपकी माँ को सदा माँ ही माना है, सास कभी नहीं। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अलका अपने ससुराल की बड़ी बहू थी, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। ससुर जी का निधन हो चुका था। घर में सासू माँ थी और एक ननंद सोनल थी, जो शादी कर अमेरिका बस चुकी थी। छोटे देवर की शादी अभी हाल 6 महीने पहले ही हुई थी। अलका ने बड़ी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। पति निखिल और देवर अनुज दोनों दुकान संभालते थे। दोनों भाइयों में काफी सामंजस्य था। अनुज हमेशा अपने बड़े भाई को आदर देता था। अनुज की पत्नी पारुल काफी होशियार और समझदार थी। अलका उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। लगता ही नहीं था दोनों देवरानी जेठानी होगी। हर काम साए शॉपिंग का हो या घर, दोनों मिलकर ही करती। इस बात को लेकर सास बहुत खुश थी। अपना समय सास पूजा पाठ में या फिर टीवी में प्रवचन सुनने या अपने पोते पिंटू के साथ निकाल देती थी। हमेशा खुश रहती। अलका की ननंद सोनल भाई की शादी में नहीं आ पाई थी। इस बार छुट्टी में आ रही थी। अनुज एयरपोर्ट जाकर अपनी दीदी को ले आया। घर आकर सभी ने स्वागत किया। भाभी अलका ने उन्हें गले लगाते हुए सोफे में बैठने को कहा। सोनल की निगाह गई नहीं पारुल को देखने लगी। पारुल आई और पैर छुए। अलका अपनी माँ से गले लगकर खुशी से रोने लगी। माँ ने उसे प्यार किया और बिठाया। वह सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। सभी ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। सोनल ने कहा, माँ इस बार मैं 1 महीने रहने वाली हूँ। भाभी आपको तो कोई परेशानी तो नहीं? अलका और पारुल ने कहा, नहीं नहीं दीदी, ये तो आपका मायका है। जितना चाहे उतना रुको, हमें तो बहुत खुशी होगी। 3-4 दिनों के बाद सोनल को न जाने ऐसा लगने लगा कि माँ दिन भर अकेली कमरे में रहती है। दोनों भाभी एक हो गई है, माँ का ख्याल शायद नहीं रखती। एक रात सोनल जो अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहती, माँ से पूछ ही लिया, माँ भाभी आपको ठीक से तो रखती है कि नहीं? आप अपना पैसा अपने पास ही रखी हो ना, ये छोटी बहू पारुल है, थोड़ी तेज लग रही है। दोनों भाभी एक हो गई है, ऐसा ना हो जाए आप अकेली ही रह जाए। सोनल ने माँ को भड़का दिया। माँ भी सोचने लग गई कि सोनल ठीक कर रही है। कहने लगी, दोनों बहुएं अपने मन का करती हैं, मुझसे कोई सलाह नहीं लेती। बेटे दोनों अच्छे हैं, पर वह भी अलका से ही सलाह लेते हैं। सोनल ने माँ से कहा, कल तुम किचन में खाना बनाना, धीरे धीरे तुम्हारा भी रौब सलने लगेगा। सुबह वह तैयार होकर पूजा कर किचन में आ गई और कहने लगी, आज मैं अपनी बेटी के लिए खाना बनाऊंगी, पसंद। इतने में पारुल ने कहा, सासू जी आप बताते जाइए, हम लोग खाना बना देंगे, आप परेशान मत हो। सासू माँ की भौहें सड़ गई। कहने लगी, अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं किचन में आ सकूं। अलका बात संभालते हुए बोली, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे होते हुए आप खाना बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। अब तो सासू माँ पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। सोनल ने तीर छोड़ा और कहा, देखा ना, मैं कहती थी ना, वो दोनों आपको अकेला करना चाहती है। ऐसा ही हुआ। सोनल अपना काम कर चुकी थी। एक शाम अनुज और पारुल पिक्चर देखने निकल गए। तभी किशन में सोनल आई। अलका से कहा, अरे भाभी आप खाना बना रही हैं? छोटी तो मजे से बाहर चली गई, उसे खाना बनाकर जाना था। अलका ने कहा, नहीं दीदी, ऐसा
कुछ नहीं है, वो रोज मेरा साथ देती है। अभी नई नई शादी हुई है तो बाहर जाने का मन तो होता ही है ना, मैंने ही उसे जाने को कहा था। अब या तो सोनल की दाल गली नहीं, सुपसाप बाहर निकल गई। वह किसी भी तरह से दोनों में फूट पड़वाना चाहती थी पर काम आसान नहीं हो रहा था। एक दिन सोनल ने पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया, सभी तैयार हो चुके थे पर माँ ने कहा नहीं जाऊंगी क्योंकि पैरों में दर्द है। पर सोनल की जिद के आगे माँ को जाना पड़ा। सभी ने बहुत मजा किया, घर आए तो माँ की तबीयत खराब हो गई। अलका ने दीदी से कहा, दीदी आप माँ के पास रहिए, मैं और पारुल खाना बना देते हैं। अब तो सोनल को मौका मिल गया। क्या भाभी आप माँ की सेवा नहीं कर सकती, मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरी माँ अब बोझ बन गई है। अलका रोने लगी और अंदर सली गई। इन 8 सालों में अलका ने कभी सास को सास नहीं माँ मानकर सेवा की थी, हमेशा माँ ही समझती रही। आज दीदी ने यह कहकर एक झटके में ही बहुत कुछ कह दिया। वह सोचने लगी। शाम को दोनों भाई आए, तब सोनल ने हंगामा मसा दिया। कह दो आप दोनों को माँ को नहीं रखना है क्या दोनों भाई? ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। ऐसा क्यों, क्या हो गया जीजी? अनुज ने कहा ऐसा कुछ नहीं है दीदी, हम आपको पूरी तसल्ली देते हैं कि माँ हमारे पास बहुत मान से है, उसने आगे कहा। दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर पूरा विश्वास था। सोनल चाहती थी कि इस हंगामे के बाद भाई भाभियों को डांटे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अलका जानती थी कि दीदी खुद अपनी सास से अलग रहती है और हमें यहाँ आकर सिखा रही है, पर समझदार होने की वजह से कुछ ना बोली। आज मौन ही अलका की ताकत बना। सोनल न तो दोनों बहुओं में, न दोनों भाइयों में और न ही पति पत्नी में लड़ाई करवा पाई। सोनल ने देखा पूरा परिवार एक साथ है, मैं कितना भी उनमें फूट डालने की कोशिश करूं, निर्थक है। अलका जान चुकी थी कि दीदी माँ को भड़का रही है और कई तरह के नुस्खे आजमा रही है, पर सब बेकार जाएगा। माँ अपने कमरे में थी, इतने में पारू लाई और कहा, माँ मैं तो कुछ महीने पहले ही आई हूँ, पर अलका भाभी इतने सालों से आपके साथ हैं। कभी भी आपको ऐसा लगा कि अलका भाभी ने आपके साथ परायों सा व्यवहार रखा है? यदि आपको भाभी के प्रति जरा भी प्रेम है तो आप बाहर आकर सोनल दीदी के सामने सच्चाई उजागर कर दे। दीदी को मायके को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहिए, और यह कहकर वह निकल गई। कुछ समय के बाद माँ बाहर आई और सोनल को अंदर कमरे में ले गई और कहा, सोनल तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलका जिस दिन से बहू बनकर आई है और इस घर में कदम रखा है, मैंने उसी बेटी मान लिया था और घर की साबी उसे सौंप दी थी। तुमने मुझे गलत करने को कहा और काफी उकसाया, मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी, पर ये तो नहीं बहू, पारुल ने मेरी आंखें खोल दी। घर की बेटी होते हुए भी तुम इस घर में फूट डाल रही थी। बेटी तो घर को जोड़कर रखती है, पर तुम मुझे भी अलग करने का सोच रही थी। दोनों बहुएं मुझे मान सम्मान देती हैं। घर में बहू आ जाए तो सास को घर उन्हें सौंपना ही देना चाहिए। समय बदलता है तो हमें भी बदलना चाहिए। बेटी तो ससुराल चली जाती है लेकिन बहू अपना फर्ज निभाती है। मुझे मेरी बहुओं से कोई शिकायत नहीं, तुम भी सम्मान के साथ यहाँ रहो, अपनी भाभियों को भी प्यार और मान दो ताकि मैं रहूं या ना रहूं तुम्हारा मायका सदा बना रहे। मायका भाई से ज्यादा भाभियों से होता है। इसके बाद सोनल ने सबक सीख लिया था।
परिवार तभी एक साथ खुश रह सकता है जब सदस्य एक दूसरे को समझे। तो दोस्तों ये